हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए सर, आज मैं आप लोगों से बात हरतालिका तीज 2022, हरतालिका तीज का व्रत, जानी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। हरतालिका तीज 2022 कब है? हरतालिका तीज पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला व्रत और निर्वाह व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी ये व्रत किया था। हरतालिका तीज 2022 डेट एंड टाइम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत इस साल मंगलवार 30 अगस्त को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निर्वाण व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन व्रती निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी ये व्रत किया था। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हरतालिका तीज के दिन सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक और शाम 6:33 तक से लेकर रात 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और निर्जला ही रखा जाता है, यानी इस व्रत में आप न तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। इसी वजह से हरतालिका तीज का व्रत सबसे मुश्किल व्रतों की श्रेणी में आता है। एक बार इस व्रत की शुरुआत हो जाए तो भविष्य में आप किसी भी वर्ष इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आपको हर वर्ष पूरी विधि विधान के साथ रखना ही होगा। हरतालिका तीज पर दिन में सोने से बचे और रात को जागरण करें। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज पर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले पूजा स्थल को फूल फलों से सजाकर रखें। एक चौकी लगाएं और उस पर शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रृंगार की पिटारी से सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान को फल फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें और गरीबों को इच्छा अनुसार कुछ दान करें। रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये हरतालिका तीज व्रत वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।